हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है वो बिटसेट के ऊपर है, जो आप लोग चाह भी रहे थे। बिटसेट के एग्जाम में अब हमारे लगभग 25 डेज से 30 डेज हैं, क्योंकि 16 मई से स्टार्ट होगा 26 मई तक। तो हो सकता है आपका स्लॉट में आपके पास अकॉर्डिंग टू स्लॉट आपके पास टाइमिंग है, पर अप्रोक्सीमेट हम मान सकते हैं कि 25 डेज हैं। इन 25 टू 30 डेज ऐसा क्या प्रिपरेशन किया जाए कि हम बिटसेट में अच्छा स्कोर कर सकें। नंबर वन थिंग, आपका जेई का स्कोर आ चुका है, और आप में से जिनके जेई के स्कोर्स 100 हैं, 120 हैं, ऐसे में कंप्रोमाइज़ करने से बेटर ऑप्शन है कि हम बिट सेट के लिए फोकस करें। इनफैक्ट बिट्स पिलानी जो है उसका लेवल जो है वो लेवल का कॉलेज है, और बिट सेट में एक अच्छी बात है कि बिट्स पिलानी में या बिट्स में डायरेक्ट स्टेट बोर्ड के टॉपर्स स्टूडेंट भी सिलेक्ट होते हैं, या सेंट्रल बोर्ड के, यानी अगर आपने ट्वेल्थ में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया तो उसका भी वेटेज मिलता है। तो एक अच्छा कॉलेज है, एक अच्छा एग्ज़ाम है, इसके लिए प्रिपरेशन कैसे की जाए इस पर आप लोगों ने कई बार अभी मुझसे बोला है कि सर इस पर एक स्पेशल सेशन लीजिए, तो इसी बात पे मैं डिस्कशन करूंगा। क्योंकि बिटसेट में और जेई में क्या डिफरेंस है समझे। दूसरा, बिटसेट कंप्लीटली ऑनलाइन है, जैसे अभी अब आईआईटी भी ऑनलाइन हो गया है, पर आईआईटी का ऑनलाइन होने के बाद भी हम लोग पेपर्स मिल जाते हैं, पेपर आउट हो जाते हैं, पर बिटसेट जब से ऑनलाइन हुआ है जब से उसके पेपर्स नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में कई बार जो हम बुक्स खरीदते हैं उसमें कुछ जो क्वेश्चन दिए होते हैं मेमोरी बेस्ड, वो एक्चुअल में बिटसेट वाले क्वेश्चन नहीं होते। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा कि बिटसेट की प्रिपरेशन का बेस्ट प्लान क्या हो सकता है, और कैसे आप उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे आप उसमें, क्योंकि सारा खेल वहाँ पर स्कोर का, अगर आपका अच्छा स्कोर होगा तो ही बिट्स प्लानी मिलेगा। तो उसमें सबसे पहले आप सबको पता है कि पैटर्न क्या है। एक तो मैथ्स का वेटेज ज़्यादा है, मैथ्स के क्वेश्चन 45 है और एलआर के क्वेश्चन 10 है, यानी ओवरऑल हम देखें तो एलआर मैथ्स का ही पार्ट है। ओवरऑल मैथ्स को हम देखें, हम मैथ्स और एलआर को, तो 55 क्वेश्चन हैं हमारे पास। फिजिक्स केमिस्ट्री में 40-40 हैं, और इसमें इंग्लिश का भी एक छोटा सा पार्ट होता है जिसके 15 क्वेश्चन होते हैं, और अगर आप पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको 12 एडिशनल क्वेश्चन मिलते हैं। बट कई बार एक कॉमन मिस्टेक है कि स्टूडेंट 12 एडिशनल क्वेश्चन के चक्कर में 150 क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करते हैं, जल्दी कोशिश करते हैं, वो नहीं करिए। दूसरा, आपने अभी जो जेई का पेपर दिया है, जनवरी में आपने जेई का अगर पेपर दिया है, तो आपके पास ये 16 पेपर तो ये हैं जेई के। अगर मैं आपसे लेवल की बात करूं तो मैं एक बात आपको बिल्कुल श्योरली बोल दूं कि जेई बिटसेट का लेवल जेई मेंस से भी कम होता है, और बिटसेट के लिए सबसे बेस्ट बुक अगर कोई है तो वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक बेस्ट बुक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो लेवल होता है बिटसेट का, वो बिल्कुल एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको अगर लास्ट मंथ अच्छा स्कोर करना है तो एक तो एनसीईआरटी पे फोकस होना चाहिए। मैथ्स के मैंने कई सारे बिटसेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के डिस्कशंस किए हैं, तरीका बताया क्या करना है, और अभी फिर करूंगा। दूसरा, लॉजिकल रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग होती है। कुछ इमेजेस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें नेक्स्ट इमेज बतानी होती है, या मिसिंग टर्म के, या बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये 10 क्वेश्चन एक तरह से मान के चलिए बोनस होते हैं। अक्सर जो बिटसेट देने वाले हैं वो उनको लगता है एलआर मतलब बहुत हाई लेवल का होगा, एलआर बहुत ही सिंपल लेवल का होता है। तो मैं आपको बस यही पहला मैसेज देना चाहूंगा कि जो भी आप इसके लिए गाइड सॉल्व कर रहे हैं उस पे अगर कहीं लिखा है मेमोरी बेस्ड, तो जरूरी नहीं है कि वो बिटसेट का क्वेश्चन हो भी सकता और नहीं भी। और कई क्वेश्चन तो मेमोरी बेस्ड में मैंने देखा है कि वो जेई में आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम में, पर वहां लिखा हुआ था मेमोरी बेस्ड, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते। तो मैं आपको ऐसे में यही सजेशन दूंगा कि एक तो एनसीईआरटी की बुक पर फोकस करें, दूसरा जो 3-4 ईयर के 2013 के पहले के एक्चुअल पेपर्स हैं उन पेपर्स को एक बार सॉल्व किया जाए, नंबर वन थिंग। और जेई मेंस की अगर आपने अभी प्रिपरेशन की तो इन पेपर से आप अपने आप को समझ सकते हैं कि इससे कम लेवल की पेपर आने वाली है या नहीं। अगर आप जेई मेंस की अच्छी प्रिपरेशन की है या जेई मेंस के आप पेपर को एक बार फिर से अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो ये बिटसेट के पेपर में बहुत हेल्प करेगा। एप्लीकेशन बेस्ड या फॉर्मूले बेस्ड तक क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उनके लिए करना ये चाहिए आपको, जो आपने 11th 12th की स्टडी करी है वो एक बार रिवाइज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अच्छा, क्योंकि जिस समय बिटसेट का पेपर होगा उसी समय जेई एडवांस का होगा, तो जो बच्चे जेई मेंस क्वालिफाई हो चुके हैं और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको एक बात बोलना चाहूंगा बहुत ही क्लियरली कि आप अपना फोकस एडवांस पे ही रखिए, बिटसेट के लिए अलग से कुछ भी नहीं करना होगा। बस आप अपने एडवांस के साथ साथ बिटसेट के लिए कुछ अलग से करना है तो वो एलआर के 10 क्वेश्चन जो कि आपको इजीली बन जाएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस के लिए आप चाहो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लेवल उसका समझ सकते हो। यानी अगर बेसिकली अगर हम इसमें ओवरऑल बात करें तो बिट सेट के लिए सबसे पहला काम आपको मैथ्स में स्कोर करना है। मैथ्स में जितना अच्छा स्कोर होगा उतना अच्छा होगा, और मैथ्स के लिए मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे बुक कौन सी लूँ तो मैं बोलूंगा कि समय है कि एनसीईआरटी को एक बार फिर से सॉल्व कर लिया जाए। एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज को अगर सॉल्व कर लें, पर सॉल्यूशन का पैटर्न
सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे सोचना है कि अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता तो इसको मैं ऑप्शन से किस ढंग से करता, वो मैंने टेक्निक्स बताई हैं। और अभी मैं कुछ सेशन और लूंगा आपके साथ बिटसेट का, जिससे कि आप इसमें अच्छा और अच्छा स्कोर कर सकेंगे। वो कहीं ना कहीं क्विक, जैसे मैंने आपके साथ जो क्विक रिविजन शेयर किए थे वो मैं बोलूंगा, वो अगर आपने नहीं देखे अब तक सेशन तो वो सेशन जरूर देखें, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। मैंने अभी एनडीए के कुछ लाइव सेशंस लिए थे पेपर सॉल्यूशन के, वो बहुत आपको हेल्प करेंगे। तो आप इन सब सेशंस को देखें जिससे मैथ्स में एक अच्छा स्कोर करेंगे। एलआर के लिए मैं बहुत ही जल्दी प्लान करके आपके साथ इसका एक सेशन लूंगा। फिजिक्स में भी आप एनसीईआरटी की ही बुक को फॉलो करें, और केमिस्ट्री में भी बिल्कुल। केमिस्ट्री तो मैं बता दूं आपको कि बिटसेट का जो केमिस्ट्री होता है और जो आईआईटी मेंस का केमिस्ट्री होता है बिल्कुल सेम होता है। यानी अगर आप जेई मेंस के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि बिटसेट की प्रिपरेशन हो रही। फिजिक्स में मैं बोलूं तो जेई में फिजिक्स के लेवल ज्यादा होते हैं, बिटसेट में कम होते हैं। इसलिए मैं आपको एक बिल्कुल प्रॉपरली पॉजिटिव सेंस में मैसेज दे रहा हूं कि आपको कहीं और मिसगाइड नहीं होना है। अगर आपने जेई मेंस की प्रिपरेशन की है, एडवांस तक तो जाना ही नहीं, ये बात ध्यान रखना, जेई एडवांस तक नहीं। अगर आपका फोकस बिटसेट है और आपने मेंस की प्रिपरेशन की है, और आप अब अगर अभी एडवांस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो जो आपने मेंस की प्रिपरेशन की है वही प्रिपरेशन से बिटसेट में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नॉट ओनली अच्छा, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप सिस्टमेटिक वे में सारे टॉपिक का रिविजन कर लें। तो अभी समय है कि आप हर टॉपिक का रिविजन करें बहुत ही प्रॉपर तरीके से। और रिविजन का तरीका क्या होता है मैं बात अच्छे से क्लियर कर दूं, कि जैसे मान लीजिए रिविजन का ऑर्डर भी आप क्लियर रखिएगा। नंबर वन, आप एलजेब्रा को रिविजन करिएगा। एलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर वन और आयोटा की प्रॉपर्टी बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। आर्गुमेंट निकालना अच्छे से सीख लीजिएगा, क्योंकि आर्गुमेंट पे क्वेश्चंस आते हैं उसमें अक्सर मिस्टेक होती है कि आपसे पूछा इसका आर्गुमेंट ध्यान नहीं दिया, क्वाड्रेंट नहीं लिखा, तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए। जैसे ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो -3/4, तो ये पहले एलजेब्रा का रिविजन करिए। एलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री का रिविजन करिए बेसिक लेवल पे। ट्रिग्नोमेट्री के बाद कैलकुलस पढ़िए। सारे टॉपिक्स के फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन ऑफ कॉनिक्स क्या होता है, पीएस प्लस पीएस डैश क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डिफरेंसेस भी, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सेस, ये क्वेश्चंस का पैटर्न होता है। तो जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं पूरा स्टडी करने के बाद बोल रहा हूं कि आप समझिए कि आपके जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए मैथ्स के हर टॉपिक के। तो ये एक समय ऐसा है कि आप हर टॉपिक का एक एक दिन बैठिए और एक दिन में आप दो दो टॉपिक को कवर करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक दिन में आप आराम से कवर कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, उसकी बेस प्रिपरेशन पे वर्क करना है। तो पहले ब्लैंक पेज उठाइए, जो जो आता है उसको रिवाइज करिए, एंड देन फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए। पुराने जो 4-5 साल के एक्चुअल पेपर है, अगर आप उतने भी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक स्टडी पैटर्न, आपको पेपर का पैटर्न एक पकड़ में आ जाएगा और उससे आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिए जेई में भी ये होता है, अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं तो आप एक पैटर्न को कैच करते हैं और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं। वही काम यहाँ करना है, क्योंकि बिटसेट अगर आप दे रहे हैं एक बहुत अच्छा एग्जाम है। और मैं चाहूँगा कि अगर आप इनकेस जेई में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो बिटसेट जैसा एक गुड ऑप्शन को आप कहीं ना खो दें। तो ऐसे में बिटसेट के लिए जो करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहले आप एलजेब्रा का रिवीजन करिए, फिर ट्रिग्नोमेट्री का, फिर कैलकुलस का, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी बिटसेट में काफ़ी आते हैं, 3-5 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। और ये बेस लेवल पे जाना है आपको, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल से क्वेश्चन करने आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी के बेस प्रिपरेशन से आना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग केवल सिंगल इस कंसेप्ट से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रीडल केसेस अपॉन टोटल केसेस। और यही काम आप फिजिक्स में करिए, कि फिजिक्स के बेसिक टॉपिक्स का रिवीजन करिए और केमिस्ट्री का। और नया पढ़ने की जगह अगर मान लीजिए आपने अब तक भी कोई 2-3 टॉपिक नहीं किए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि उनकी जगह ज़्यादा अच्छा है कि जो टॉपिक्स आप कवर कर चुके हैं उनको ही रिवाइज करिए और 12 मई तक सारा रिविजन कंप्लीट करके रख लीजिए। यानी लगभग आज से 20 डेज के अंदर आपको पूरा रिविजन कवर करना है। 12 मई उनके लिए जिनको 16 को एग्जाम देना है, मतलब एग्जाम के लगभग 3 दिन पहले आपकी स्टडी, मान लो आपका 20 मई को तो 17 मई तक आपको खत्म करना है, एग्जाम के ठीक 3 दिन पहले तक आप पूरा ये रिवीजन कंप्लीट करके रखें, एंड देन लास्ट 2-3 डेज मेंटली ही फॉर्मूले का रिवीजन करें और पेपर्स को सॉल्व करें, जेई मेंस के पेपर को सॉल्व करें, बिट्स के पुराने पेपर्स को सॉल्व करें। तो उससे एक आपको अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और फिर आप पेपर दीजिए। और आप ऑलरेडी, क्योंकि जेई मेंस इस बार टोटल ऑनलाइन था तो ऑनलाइन पेपर पहले ही दिया हुआ, प्रैक्टिस भी ऑनलाइन की काफ़ी की हुई है, तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी। पेपर की स्कैनिंग करने की आदत डालिए
और याद रखिएगा बिटसेट के पेपर्स में टाइपिंग्स का पैटर्न बहुत अलग होता है। अलग होता है मतलब आपको कई जगह पे समझना पड़ेगा। मान लीजिए 2 + 3x^12 है तो ऐसा भी लिख सकते हो एंड फाइंड कोफिशियंट ऑफ x^4। तो इस तरह से आपको थोड़े से क्वेश्चंस का एक समझना पड़ेगा। मैट्राइसेस है, ऐसा भी लिखा हो सकता है और फिर पूछेंगे कि फाइंड को फैक्टर्स और फाइंड माइनर और फाइंड ए इनवर्स 2:2, इस तरह के पेपर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आप इसकी प्रिपरेशन करिए। इसके अभी मैं कुछ सेशंस आपके साथ शेयर करता हूँ मैथ्स के और एलआर के स्पेशली, जिससे आप उसमें एक अच्छा परफॉर्म करें। और जो बात मैं मैथ्स के लिए बोल रहा हूँ वही फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी अप्लाई होती है, और इंग्लिश के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या बेसिक लेवल का इंग्लिश होता है जो आपको, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, उसके लिए अलग से कुछ भी नहीं करना होगा। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से करिए। क्या हो गया है, आपका मेंस में अच्छा स्कोर है तो भी एक अच्छा एग्जाम्स है, और अगर अच्छा स्कोर नहीं है तो आपके पास ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये बात मान के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।